सुनिए, आप में से कोई इस लकड़ी को उठा के मुझे दे सकता है? हाँ हाँ, मैं उठा देता हूँ। ये उठ क्यों नहीं रही है? क्या हुआ, नहीं उठ रहा है? अब आप ही उठा दीजिए। आश्चर्य है, ये लकड़ी इतनी भारी। भारी कहाँ है पुत्र, मैं तो सिर पर लिए जा रही हूँ। अब आप उठा दीजिए। हाँ हाँ अवश्य, इसमें कौन सी बड़ी बात। इतनी छोटी लकड़ी भी आप सब उठा नहीं पाए, और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। क्षमा करें माता, आप साधारण स्त्री तो नहीं हैं। हमें अभिमान हो गया था माता, उसे ही तोड़ने आप पधारी हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माता, अब अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध, तुम्हारा कल्याण हो देवो। वृषारूढाम शूल धरा शैल पुत्री यशस्विनी, देवर्षि मैं सब समझ गया। आपने सूर्य देव का अभिमान तोड़ने के लिए मुझे आकाश फल खाने भेजा था ना? इस कथा से ये भी सीख मिलती है कि कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण। हाँ हनुमान, अब द्वितीय दुर्गा की कथा सुनो। इनका नाम ब्रह्मचारिणी है।
शिव जी को पाने के लिए जब इन्होंने ब्रह्मचारियों की भांति कठोर व्रत और तप आदि किए, तब इन्हें देवताओं ने ब्रह्मचारिणी नाम दे दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धानाकर पद्माभ्यां अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। सारी बाधाओं को हरने वाली देवी की पूजा करके साधक मन को स्वाधिष्ठान चक्र में केंद्रित कर लेता है। इनकी साधना से त्याग, सदाचार, ये गुण साधक में स्वतः ही आ जाते हैं। फिर भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हो गया ना? यदि मन में एक लक्ष्य बना लिया तो उसके लिए सतत प्रयास करने पर वह लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। नारायण नारायण, सत्य है हनुमान। अब तृतीय दुर्गा जी के बारे में मैं बताता हूँ। उनका नाम क्या था देवर्षि? उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा, देवी चंद्रघंटा सिंह पर सवारी करती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है, इसलिए इन्हें देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ये 10 भुजाओं में त्रिशूल, तलवार, हर्षा, धनुष, बाण, कमल पुष्प, चलपात्र आदि लिए हैं। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। विध्वंस कर दो इस यज्ञ को, इन ऋषियों के अंग भंग कर दो। रुक जाओ दैत्यों, ये देवी चंद्रघंटा का यज्ञ है, इसमें बाधा डालोगे तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। कौन करेगा सर्वनाश? तुम्हारी चंद्रघंटा देवी है, ध्वंस कर दो इस यज्ञ वेदी को। प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता, प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। हाँ, ऐसी ध्वनि से असुरों का अंत होता है, है ना देवर्षि? मैंने भी डमरू की ध्वनि से उस चक्रासुर का अंत किया था। अच्छा ये बताओ पुत्र हनुमान, इस कथा से तुम्हें क्या सीखने को मिला? इससे ये ज्ञात होता है कि घंटे, डमरू, शंख आदि की ध्वनियाँ पवित्र होती हैं। ये आसुरी शक्तियों का नाश कर देती हैं। तथा लोगों के कल्याण के लिए सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। देवी चंद्रघंटा की कृपा से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है।
देवी चंद्रघंटा भक्तों के दुख और बाधाओं का हरण कर लेती हैं। और अब सुनिए चतुर्थ देवी कुष्मांडा देवी की महिमा। जब सृष्टि नहीं हुई थी, ये संसार नहीं था, तब देवी कुष्मांडा प्रकट हुई थी। कुष्मांडा देवी नमः नमः कुष्मांडे नमः। हे कुष्मांडा माता, आप तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं माता। न जाने मुझसे क्या अपराध हो गया माता, जो आप मुझसे रूठ गई, और मैं इस असाध्य रोग से पीड़ित हो गया हूं माँ। मैंने आपकी वर्षों आपकी तपस्या की माँ, कि एक दिन आप मुझ पर कृपा करेंगी माँ, और मैं इस असाध्य रोग से मुक्ति पाऊंगा माँ। कृपा कीजिए माँ। ओम कुष्मांडा देव्याय नमः। आपको कोटि कोटि नमन। माता, कुष्मांडा माता की जय हो, कुष्मांडा माता की जय हो, कुष्मांडा माता की जय हो, कुष्मांडा माता की जय हो। संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। कुष्मांडा देवी की कृपा से साधक का मन अनाहत चक्र में प्रवेश करता है, और अब देवी के पंचम कल्याणकारी रूप कंद माता की व्याख्या करूंगा। कंद माता अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। मैंने हर तरह से उपचार करके देख लिया, अब ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे तो ठीक, अन्यथा अपने पुत्र का ध्यान रखिए। हे भगवान, हे स्कंद माता, कितनी बरसों मैंने आपका तप किया, तब जाकर मेरी गोद हरी हुई। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दूंगी माता। वैद्य जी ने ये औषधि दी है, उन्होंने कहा है इसे पिलाकर देख लीजिए। Ah!
स्वस्थ हो गए। मेरा पुत्र, किंतु ये चमत्कार कैसे हुआ? वो माता जी कहाँ गई? माता जी एक औषधि लेकर आई थी, कह रही थी वैद्य जी ने भेजा है। किंतु वैद्य जी ने तो कहा था कोई उपचार नहीं है। तब वो माता? तो स्वयं माता जी आई थी, स्कंद माता। हे माँ, मैं जानती हूँ आप ही आई थी। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जय माता दी, जय माता दी, जय हो। तुम सबका कल्याण हो। स्कंद माता की कृपा से साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। मानसिक शक्ति ही सच्ची शक्ति है। जब मन हार जाता है तो शरीर भी हार जाता है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। आप कौन सी देवी हैं? मुझे सभी देवियों के बारे में जानना है। नारायण नारायण। धैर्य धरो हनुमान, अष्टम देवी हैं कात्यायनी देवी। अब इनके अवतार की कथा सुनो। कात्यायनी देवी? मूर्ख साधुओं, बंद करो ये सब। महिषासुर के क्षेत्र में कोई भी पूजा अर्चना नहीं होगी देवी देवताओं की। तुम्हारे देवता हम हैं, मारो। महिषासुर, छोड़ दो इन साधुओं को। सिंह पे सवार तू इन्हें बचाने आई है? असुरों, इसे भी बंदी बना लो। जाओ। जय माता दी, जय माता दी। अरे वाह, शक्ति स्वरूपा देवी ने असुरों का अंत किया। इससे यही सीख मिलती है, लोगों का कल्याण ही धर्म है। वसुदेव कुटुंबकम्। महिषासुर मर्दिनी की जय। महिषासुर मर्दिनी की जय। आगे सुनो हनुमान जी। इनकी कृपा से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। अब सुनाता हूँ सप्तम देवी काल रात्रि की महिमा। नाम से ही ये भय उत्पन्न करने वाली लगती हैं। इनके दर्शन और भी भयभीत करने वाले हैं वत्स।
तो ये महाशुभदायक है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। शुभंकरी। इनकी कृपा से साधक का मन छत्रेसर चक्र में स्थित होता है। इनकी सवारी गर्तव है। इनके नाम स्मरण मात्र से भूत प्रेत आदि बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। गुरुदेव, ये तो भूत प्रेत उत्पन्न हो रहे हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शिष्यों, भूत प्रेत हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। हम देवी कालरात्रि की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम कालरात्रि देव्यै नमः स्वाहा। हे मां कालरात्रि, रक्षा कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.